Welcome students in the physics class. Today we are discussing about the combination of resistances. Here we are having suppose so many resistances and they are connected in a different manner, then what will be the total resistance of the circuit? So we show the resistances like that. This is the symbol of resistance. So suppose this is the first resistance whose value is R1. Okay, the ends of this resistance I am taking as A and B. It is A and it is B, okay, and its value is R1. Another resistance, symbol देखिए इसके एक ही जैसे बनते हैं, values अलग अलग हम दिखाएंगे. इसका जो end है ये end, इसका नाम भी हमने यहां पर A और B कर दिया. इन स्टार्टिंग पॉइंट में ए से रेफर कर रहा हूं और एंडिंग को बी. थर्ड रेजिस्टेंस मेरे पास में एक है, इसकी वैल्यू R3, ये ए है और इसका नाम भी, इसकी एंडिंग भी बी है. अब देखिए अगर मैं यहां पर ये मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया, इसका पॉइंट ए था, इसका ये पॉइंट बी था. सेकेंड रेजिस्टेंस का ए पॉइंट अगर मैं बी के साथ में कनेक्ट कर देता हूं यहां पर, अब इसका पॉइंट बी आ गया और इसका पॉइंट ए आ गया यहां पर. अब इसका एंड ये बी फ्री हो गया. ये जो एंड ए है हमारा, इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहां पर एक की के साथ में. आगे हमने एक बीच में हमको एमीटर भी लगाना पड़ेगा भाई, ये तो करंट कैसे पता लगेगी. एक लगा दिया हमने एमीटर, यहां पर एक हमने ले लिया बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी सर्किट में. ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है. ये जो कॉम्बिनेशन बन के सामने आया है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स. अब यहां पर इसकी वैल्यू थी R1, ये था R2 और ये था R3. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं कि एक इसका एंडिंग पॉइंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, इसके एंडिंग पॉइंट को इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन मेरा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब बन गया, हमने बैटरी को क्लोज कर दिया, तो करंट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये इस तरह से यहां पर फ्लो होना शुरू हो जाएगी और इधर से एंटर कर गई नेगेटिव पार्ट से. अब जो इसका सिंबल है करंट का, आई है सिंबल करंट का, आई सिंबल है यहां करंट का. तो इसके देखिए फीचर्स क्या हैं, जब इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या इसमें ऐसी खास बातें हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखने को मिलती हैं? तो इसके कह सकते हैं फीचर्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन क्या देखने को मिलेंगे हमको. पहला तो ये मिलेगा कि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस में जो करंट फ्लो करेगी ये सेम करंट फ्लो करेगी यहां पर. तो पहला फीचर्स ये है, ऑल द रेजिस्टेंसेस विल हैव द सेम करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट
विल फ्लो थ्रू ऑल द रजिस्टर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जब वाटर फ्लो करता है, अब पाइप चाहे मोटा हो या पतला, सब जगह से सेम अमाउंट में वाटर वहां से फ्लो करता है, ठीक है। दूसरी खास चीज क्या होती है यहां पर, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर होता चला जाता है। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाता है तो इसको हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर मैं यहां पर वोल्ट मीटर लगा दूं, एक यहां पे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, इसको कह दिया V1, एक वोल्टर मीटर यहां लगा दिया मैंने, इसको कह दिया V2, एक वोल्ट मीटर मैंने यहां लगा दिया, इसको मैंने कह दिया V3, तीन वोल्ट मीटर मैंने यहां पे लगा दिए विद प्रॉपर साइन। अब ये तीनों वोल्ट मीटर क्या करेंगे, जहां पे लगाया उसके उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे। यहां पर ये जो बैटरी थी इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस है वी यहां पर। तो अब यहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सबके ऊपर कुछ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आने वाला है। तो हम बोलते हैं इसको देर इज कॉन्टिन्यूस ड्रॉप ऑफ द पोटेंशियल ऑल अलोंग द सर्किट। Continuous drop of potential in the circuit, अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं Y और इसको कह दूं X, इसको कह दूं Y, circuit along X to Y, ये लगातार यहां पर decrease करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे हो रहा है, या इसी वे में कहें कि जितना इतना पोटेंशियल यहां पे हो रहा है वो पोटेंशियल इक्वल होता है बैटरी के पोटेंशियल के। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। कहने का मतलब क्या है, जो V है हमारा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल यहां पे हमको मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमको ये देखना है यहां पर कि ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना कितना हो रहा है जो अभी हमने यहां पर डिस्कस किया है। सो नाउ हम लोग यूज करने जा रहे हैं यूजिंग ओम्स लॉ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, ये कितना है V1, और ये हमारा हो जाएगा IR1। ओम्स लॉ में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर था, V=IR। सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 विल बी IR2। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 इज V3=IR3। अब हमने अभी ये चीज देखी थी कि जो बैटरी का V था वही V एक्चुअली डिवाइड हो गया था इन रजिस्टर्स के ऊपर, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी 1 है। अब एक काम बोलेंगे कि लेट कैपिटल R बी द इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये कैपिटल आर का मतलब ये होता है कि अगर तीन रेजिस्टेंस मैंने यहां पर शो कर रखे हैं तो इन सब का सम टोटल यहां पर हमने कह दिया कि आर है, ये हमने एजम्पशन ले लिया। देन वी कैन से वी विल बी इक्वल टू आई आर। वी किसके हो जाएगा यहां पर, आई आर के बराबर हो जाएगा। अब हम वी इन सब की वैल्यूज यहां पर पुट कर दें क्वेश्चन नंबर वन में, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वी वी वन वी टू एंड वी थ्री इन वन, वन में पुट कर दें हम, तो क्या हो जाएगा आई आर, आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। आई कॉमन हो गया, कैंसिल आउट, आर बिकम्स, तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जहां पर सिंपली इन सबको एड अप कर देंगे तो हमको ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे यहां पर पॉइंट नंबर टू, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द रेजिस्टर्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां पर भी देखिए हमारे पास वही तीन रेजिस्टेंसेस थे, उन तीन रेजिस्टेंसेस को हमने, ये हमारा था आर वन, दूसरा रेजिस्टेंस था मेरे पास में आर टू, तीसरा रेजिस्टेंस मेरे पास में था आर थ्री। अब ये इसका पॉइंट ए था, ये भी इसका पॉइंट ए था स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी इसका पॉइंट ए था, ये इसका एंडिंग पॉइंट था बी। अब अगर मैं इन सब के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को एक साथ मैं यहां पर जोड़ दूं, एक साथ मैं यहां पर जोड़ दूं इनके नेंड्स को एक जगह लाके जोड़ दिया, और इसी तरह से इनको भी मैंने एक जगह ले जाकर यहां पर जोड़ दिया, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। अब यहां पर भी हमने एक जो है एमीटर लगा लिया जो कि करंट हमको देगा, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है, एक की लगा ली हमने यहां पर, बैटरी और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ये इस तरह से जब रेजिस्टेंसेस को हम लोग कनेक्ट करते हैं ये कहलाता है रेजिस्टेंसेस इन द पैरेलल, इनके सबके जो स्टार्टिंग पॉइंट थे मैंने एक ही जगह कनेक्ट कर दिए। अब यहां पर इसको अगर मैं क्लोज करता हूं की को तो करंट आई फ्लो करेगी यहां से। अब यहां पर देखिए इस करंट को आगे जब जा रही है तो तीन रास्ते मिल रहे हैं, तो यहां पर ये करंट आगे तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। फिर ये करंट आई वन यहां से फ्लो करेगी और इस रेजिस्टेंस के होते हुए ये वापस आई वन यहां पर आती है, इसमें आई टू वापस आएगी और इसमें आई थ्री यहां पर वापस आएगी इस तरह से, ठीक है। और हम देखेंगे कि ये वापस करंट मुझको जो मिलती है वो आई करंट ही मिलती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जितनी करंट हमने यहां से लगाई थी उतनी करंट हमको यहां पर मिल रही है। अब अगर मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा लूं तो ये मुझे बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्या है। अब यहां देखिए मैंने वोल्ट मीटर मैंने अलग अलग नहीं लगाया,
यहाँ पर इसके कुछ अलग फीचर्स हैं। तो जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलता है। तो पहला इसका इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास में? नंबर वन, ऑल द रजिस्टर्स आर हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज ऑफ बैटरी। जितना बैटरी का पोटेंशियल है वी, वही क्या कहते हैं, सब यहां पर इनको मिल जाता है। फर्क क्या है यहां पर? जो करंट है यहां पर, बट डिफरेंट करंट फ्लोज इन द ब्रांचेस और थ्रू R1, R2 एंड R3। अब ये डिफरेंट करंट क्यों फ्लो करती है? देखिए यहां पर, यहां से करंट को तीन रास्ते मिल रहे हैं, तो करंट यहां पर डिवाइड हो जाती है। करंट के बारे में हम ये अच्छे से जानते हैं, करंट उस रास्ते को सबसे ज्यादा सेलेक्ट करती है जहां पर उसको कम से कम ऑब्स्टेकल मिले या जहां पर कम से कम रेजिस्टेंस होगा। तो यहां पर जो करंट फ्लो करती है वो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे कम फ्लो करेगी। एक तरह से करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच। ये हम बात किससे कह रहे हैं? ये बात हम लोग कह सकते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यहां पर करंट जो हो जाएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस के, तो हाई रेजिस्टेंस लो करंट। अब देखिए यहां पर एक लास्ट बात आती है कि सम टोटल ऑफ द करंट। मैंने कहा था यहां पर अगर करंट डिवाइड हुई है I1, I2, I3 में, तो यहां पर वापसी में फिर हमको ये तीनों करंट क्लब करके यहां पर मिल जाएगी। तो तीसरा पॉइंट क्या है, हम बोलेंगे कि सम टोटल ऑफ द करंट एंटरिंग एंड लीविंग द पैरेलल सर्किट, लीविंग द पैरेलल सर्किट विल बी द सेम। तो इसका मतलब हो जाएगा, हेंस जो आई करंट यहां से चलेगी वो इक्वल टू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। इन I1, I2, I3 को हम लोग यहां पर मेजर करने के लिए यहां पर अलग अलग हम लोग यहां पर एमीटर्स भी लगा सकते हैं कि कितनी करंट यहां पे फ्लो कर रही है। ओके, अब चलते हैं इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि जो इक्वेशन मैंने लिखी है सम टोटल की, ये हो गई हमारी, इसको मैंने नंबर दे दिया वन, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर वन। अब अगर मैं करंट निकालना चाहूं यूजिंग ओम्स लॉ, करंट थ्रू ईच रजिस्टर विल बी क्या हो जाएगी, करंट थ्रू R1 विल बी I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। इसी तरह से करंट थ्रू R2 हो जाएगी I2 इक्वल टू V अपॉन R2। करंट थ्रू R3 हो गई R3 इज इक्वल टू V अपॉन R3।
नाउ लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज कैपिटल आर, देन वी कैन राइट। तब यहां पर क्योंकि बाहर करंट हमने देखा था आई फ्लो कर रही थी एक्सटर्नल सर्किट में, तो ये हो जाएगा वी बाई आर। तो यहां पर जो वैल्यूज मिली है मुझे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई आई वन आई टू एंड आई थ्री इन वन वन ने पुट कर दें, तो आई क्या था हमारा वी बाई आर, वी बाई आर वन, वी बाई आर टू और वी बाई आर थ्री। वी यहां से कॉमन आ गया, और ये भी कैंसिल आउट हो गया, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां से हम इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। तो यहां पर क्या है, सम ऑफ द इनवर्स ऑफ दीज रेजिस्टेंसेज जो हमने लिया था इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसको देखिए, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, नाउ वी विल डू अ न्यूमेरिकल हेयर। क्वेश्चन वन हमारे पास में ये है कि एक सर्किट है जहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सपोज करिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने लगा दिया, यहां पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 20 ओम। ये लगा दिया मैंने एमीटर, और यहां पे आ गई एक की, और यहां पर जो बैटरी हम लगाने जा रहे हैं वो लगा दी हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 6 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर ये है कि एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, पहला क्वेश्चन फाइंड एमीटर रीडिंग, एमीटर की रीडिंग फाइंड करिए। तो जब इसको क्लोज करेंगे की को तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, कितनी यहां पर एमीटर की रीडिंग आने वाली है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड बल्ब। तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 4 + 20 = 24 ओम, बिकॉज दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, ये सीरीज में, तो इसको हम कर देंगे एड अप यहां पर, और वी हमको कितना गिवन है 6 वोल्ट। देन यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को यूज करेंगे तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू वी बाई आर, वी कितना है 6, ये कितना है हमारा 24, तो हो जाएगा 1/4 एम्पियर। तो आई आ गया हमारा 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, V1 कितना आ जाएगा IR1, क्योंकि सेम करंट फ्लो करेगी यहां पर, सेम करंट फ्लो करेगी इन दोनों से, IR1, I कितना है 0.2, 4 तो ये कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम IR2 0.2 20, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट।
अब आप देखिए ये 5 और ये 5 दोनों हमारे 6 हो गए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि V1 प्लस V2 दोनों इक्वल होते हैं यहां पर बैटरी के EMF के, तो ये हमने यहां पर जान लिया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे R को फाइंड करते हैं। यहां पे एक सर्किट दिया है, ये 6 और यहां पर ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास में जो फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर मैं R1 कह दूं 6 को और R2 कह दूं मैं 3 ओम को और R3 कह दूं 2 ओम को, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर हो जाएगा 1/6, 1/3, 1/2। तो यहां पर अगर हम एलसीएम देखें, अगर 6 आ गया तो 1, 2, 3, 6/6, तो 1/R हो जाएगा यहां पर 1, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 1 ओम। और यहां पर अगर करंट मुझे देखनी है कितनी फ्लो करेगी एक्सटर्नल सर्किट में, यहां पर अगर हम एक एमीटर लगाते हैं तो ये कितनी रीडिंग देने वाला है, करंट I हो जाएगा हमारा V/R। V हमारा कितना है 5, R कितना है 1, तो 5 एम्पीयर करंट यहां से फ्लो करेगी। हमारा क्वेश्चन ये है कि अलग अलग सेक्शन में कितनी करंट जाएगी। अगर मैं I1 फाइंड करना चाहता हूं तो I1 क्या हो जाएगा V/R1, I2 क्या हो जाएगा V/R2, I3 क्या हो जाएगा V/R3। तो ये कितना था हमारे पास में, तो यहां मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको सेम पोटेंशियल मिलता है जो बैटरी का पोटेंशियल होता है, तो ये हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 3/5/2, 3, और ये हो जाएगा 5/2 एम्पियर। इसको हम ऐड अप करेंगे तो आई की वैल्यू हमको वही वैल्यू मिलेगी जो हमने यहां पर फाइंड की है, ओके। तो ये सबकी अलग अलग V/R1 से हम यहां पर अलग अलग करंट की वैल्यूज यहां पर फाइंड कर सकते हैं। V देखिए हमने 5 दे रखा था, R1 यहां पे 6 पुट कर दिया, तो ये सारी वैल्यूज हमको वही मिलने वाली हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।